बैंक का IQ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 5 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे और 5 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को इसके फॉर्मेट में भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ गोड। गोड शब्द का अर्थ होता है जब आप अर्ज करते हैं किसी व्यक्ति को या आप उन्हें स्टिम्युलेट कर देते हैं। आइदर यू अर्ज समवन या फिर आप उन्हें स्टिम्युलेट कर देते हैं, या तो आप उनसे कहते हैं, आप उनको लिटरली एक प्ली दे रहे हैं, प्लीज़ कह के कार्य करवाना चाह रहे हैं, या आप उनको ऊर्जा देते हैं, इनकरेज करते हैं, स्टिम्युलेट कर देते हैं किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए, उसके लिए हम गोड शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अक्सर टू प्रोवोक या टू अनॉय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं और उत्तेजित कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर आप किसी को अनॉय करते हैं सो दैट दे कैन प्रोबेबली डू सम एक्शन। सो प्रोवोक करना, बैजर करना एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है गोड का। बैजर करना, किसी को इंसाइट करना, या फिर आप किसी को राउज कर देते हैं, यू आर स्टरिंग समवन इन टू एक्शन, या फिर आप किसी को इनफ्लेम कर रहे हैं। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गोड। जब आप किसी को एक्शन के लिए स्टिम्युलेट कर देते हैं, प्रोवोक कर देते हैं, अनॉय कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गोड। गोड का एक यूसेज भी आप याद रख सकते हैं, शी डिड सीम्ड वेरी डिटर्मिंड टू गोड हिम इन टू फाइट। दैट मीन्स कि वो उनको उकसा रही थी, प्रोवोक कर रही थी, राउज कर रही थी टू फाइट, सो शी सीम्ड वेरी डिटर्मिंड टू गोड हिम इन टू फाइट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वर्ड फॉर टुडे, गैरिश। गैरिश शब्द का अर्थ होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है जब आप बहुत ज़्यादा शोशागिरी करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गॉडी दिखते हैं, गॉडी ओवर, बहुत ही फ्लैशी कोई चीज़ आप कर रहे हैं, ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ जो कि ऑस्टेंटेशियस है। ऑस्टेंटेशियस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गैरिश। जैसे कहा जाता है, गैरिश डिस्प्ले ऑफ मटीरियल वेल्थ, दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा शोशागिरी कर दी है कोई ऐसी चीज़, विच इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, ग्लेयरिंग है, फ्लैशी है, ओवर ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ओवर ब्राइट है, अनप्लेजेंटली ब्राइट है, बहुत ही गॉडी है, अनप्लेजेंटली ब्राइट है, उसके लिए हम गैरिश शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम टॉडरी। टॉडरी या टॉड्राई इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गैरिश। इसका भी अर्थ यही होता है कि आप वैसे तो बहुत ही अट्रैक्टिव, फ्लैशी दिखा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो बहुत चीप या लो क्वालिटी की है। For example, the coffee shop has been painted garish pink, which is now a hallmark for the locality. So garish, jab aap bahut zyada shoshagiri karte hain. Gamut is the next word for today. Gamut का अर्थ होता है एक पूरा का पूरा extend, एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं range. So the complete range or scope of something. एक पूरी जो range होती है, एक पूरा जो scope होता है, the entire range or extent of something, आप कह सकते हैं एक तरह का range हो गया, scope हो गया किसी चीज़ का, कितना scope है किसी चीज़ का, वो gamut में आ जाता है. You can also use the word spectrum as an important synonym, या आप कह सकते हैं breadth, breadth भी एक important synonym है. Extent of something is called gamut. So for example, in her stories, Margaret Atwood expresses a whole gamut of emotions. Expresses a whole gamut of emotions. That means के whole gamut क्या होता है? पूरा spectrum from sorrow to happiness. So from sorrow to happiness, वो सारे के सारे gamut of emotions हमें दिखा देते हैं. सो यहाँ पर gamut is a wide range that we can use. Moving on to another word, gallivant. Gallivant, ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है कोई एक डेरोगेटरी वे में, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और वो भी इन सर्च ऑफ प्लेजर. सो गैलीवेंट, गैलीवेंट आप इसे याद रख सकते हैं, गली गली आप घूम रहे हैं. सो आप क्यों घूम रहे हैं? टू डिराइव pleasure. So when you go about from one place to another in search of pleasure, that's called gallivant. So जब आप wander कर रहे हैं या फिर जब आप stray कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तब हम gallivant शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. For example, एक example देख लेते हैं सेंटेंस के फॉर्म में. They've been gallivanting all over the town. That means वो घूम ही जा रहे हैं पूरे टाउन से.
well, you won't be able to go off gallivanting. You won't be able to go off gallivanting around like this, especially when you have a child to take care of. So gallivant, ghoomna, and that too for the sake of pleasure. When you wander, jab aap stray karte hain, aap ghoomte rehte hain, uske liye hum gallivant shabd ka prayog karte hain. Moving on to the next word, gesticulate. Gesticulate शब्द का अर्थ होता है जब आप gestures बनाते हैं, particularly बोलने के time पे, जब बोलने के time पे आप अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, gestures करते हैं. So when you're making lively gestures या जब आप gestures बनाते हैं, especially जब आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं, उसके लिए हम gesticulate शब्द का प्रयोग करते हैं. When you make movements with your hands or arms ताकि आप किसी चीज़ को emphasize कर सकें या express कर सकें, उसके लिए हम gesticulate शब्द का प्रयोग करेंगे. मूविंग ऑन टू द क्विज फॉर टुडे, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आज के इस शॉर्ट ब्रीफ क्विज को सॉल्व कर सकते हैं. गेल शब्द का अर्थ होता है एक तरह का साइक्लोन, हरिकेन, स्टॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं टेम्पेस्ट. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड साइक्लोन, हरिकेन, स्टॉर्म. एक तरह का जो स्टॉर्म आ जाता है या टेम्पेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम गेल शब्द का प्रयोग करते हैं, तूफान बेसिकली. गैलेंट शब्द का अर्थ है एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही इंट्रेपिड व्यक्ति. सो एक ब्रेव, नोबल, एमोरस व्यक्ति जो होता है, जो कि अटेंड करता है लेडीज़ को, लेडीज़ के लिए बहुत ही डैम्सल इन डिस्ट्रेसेस को हेल्प करता है, उसके लिए हम गैलेंट शब्द का प्रयोग करते हैं. गैल्वेनाइज का अर्थ होता है टू स्टिम्युलेट, जस्ट लाइक गोड हम लोगों ने देखा. सो टू स्टिम्युलेट इज गैल्वेनाइज. जाइब शब्द एक इंपॉर्टेंट कॉमन हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है. इसका अर्थ होता है जब आप किसी को एक इंसल्टिंग रिमार्क पास कर देते हैं, या फिर जब आप उन्हें स्कॉफ कर देते हैं, उन्हें स्नियर कर देते हैं, आप उन्हें कुछ बुरा भला कह देते हैं, इंसल्टिंग रिमार्क पास कर देते हैं, या आप उनके ऊपर हंस देते हैं, मॉक कर देते हैं. सो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं प्रेस करना, एग्जल्ट करना, अप्लॉड करना, ये जाइब के एंटोनिम्स हैं. और ये सिनोनिम्स हैं मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना, इंसल्टिंग कमेंट्स पास करना. ग्रेव शब्द का अर्थ होता है सीरियस एंड समथिंग विच इज़ रिक्वायरिंग कंसिडरेशन. इट्स अ ग्रेव प्रॉब्लम, ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ग्रेव. अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीशा रहीजा के नाम से जुड़ सकते हैं, या मुझे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं.